नमस्कार, मैं ज्योति प्रिया शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। भारत मीडिया में आपका स्वागत है। पुणे एक्सप्रेस और 1081 व 1082 का ठहराव बेल्थरा रोड में। ट्रेनों के रुकने से मुंबई, पुणे और दुर्ग भिलाई जाने वाले यात्रियों की होगी सुविधा। दुर्ग एक्सप्रेस और 1059 और 1060 का ठहराव सलेमपुर में। इन ट्रेनों का ठहराव होगा प्रायोगिक। खबर वाराणसी से। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु कुछ एक्सप्रेस गाड़ियों का प्रायोगिक ठहराव सलेमपुर जंक्शन और बेल्थरा रोड स्टेशनों पर 11 अक्टूबर से किया जा रहा है। इन ट्रेनों के रुकने से मुंबई, पुणे और दुर्ग भिलाई जाने वाले यात्रियों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 12 अक्टूबर 2023 से चलने वाली 1059 लोकमान्य तिलक टर्मिनस छपरा एक्सप्रेस सलेमपुर स्टेशन पर 18:05 बजे पहुंचकर 2 मिनट ठहराव के बाद 18:07 बजे छूटेगी और छपरा से 12 अक्टूबर 2023 से चलने वाली 1060 छपरा लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस सलेमपुर स्टेशन पर 8:12 बजे पहुंचकर 2 मिनट ठहराव के बाद 8:14 बजे छूटेगी। वहीं दुर्ग से 11 अक्टूबर 2023 से चलने वाली 8201 दुर्ग नौतनवा एक्सप्रेस सलेमपुर स्टेशन पर 17:08 बजे पहुंचकर 2 मिनट ठहराव के बाद 17:10 बजे छूटेगी। लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 11 अक्टूबर 2023 से चलने वाली 1081 लोकमान्य तिलक टर्मिनस गोरखपुर एक्सप्रेस बेल्थरा रोड स्टेशन पर 23:46 बजे पहुंचकर 2 मिनट ठहराव के बाद 23:48 बजे और वापसी में गोरखपुर से 13 अक्टूबर 2023 से चलने वाली 1082 गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस बेल्थरा रोड स्टेशन पर 18:01 बजे पहुंचकर 2 मिनट ठहराव के बाद 18:03 बजे प्रस्थान करेगी। वहीं पुणे से 12 अक्टूबर 2023 से चलने वाली 1037 पुणे गोरखपुर एक्सप्रेस बेल्थरा रोड स्टेशन पर 22:15 बजे पहुंचकर 2 मिनट ठहराव के बाद 22:17 बजे और गोरखपुर से 14 अक्टूबर 2023 से चलने वाली 1038 गोरखपुर पुणे एक्सप्रेस बेल्थरा रोड स्टेशन पर 18:01 बजे पहुंचकर 2 मिनट ठहराव के बाद 18:03 बजे प्रस्थान करेगी। अहमदाबाद से 14 अक्टूबर 2023 से चलने वाली 9489 अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस और गोरखपुर से 15 अक्टूबर 2023 से चलने वाली 9490 गोरखपुर अहमदाबाद एक्सप्रेस भटनी स्टेशन पर ठहराव कर दिया गया है। धन्यवाद। आप देखते रहें भारत मीडिया। भारत मीडिया के लिए वाराणसी से घनश्याम शर्मा की रिपोर्ट।